अरे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है सीमा, है ना। जिसे इंग्लिश में कहते हैं लिमिट। तो सबसे पहले हम इसको जानने से पहले हम ये जानते हैं कि लिमिट ऑफ फंक्शन क्या होता है, इस पर बात करेंगे, ठीक है। तो जब हम किसी पर्टिकुलर फंक्शन पर किसी वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक फंक्शन ले लिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर प्लस टू। तो यहाँ देखो, अगर हमको बोले कि ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, हमको ये बोल दें कि आपको चाहिए एफ ऑफ वन की वैल्यू, तो अपन क्या करेंगे, सिंपल कुछ नहीं करना है, क्या करेंगे, डायरेक्ट एक्स की जगह पे क्या करेंगे, वन रख देंगे। मीन्स कि एफ ऑफ वन निकालने के लिए बोला जाए तो अपन क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू की जगह पे वन रख देंगे। तो वन का स्क्वायर प्लस टू, मीन्स कि ये हो जाएगा वन और ये हो जाएगा टू, यानी कि थ्री। ये आया। अब हमको फिर से बोल दिया कि एफ हमको चाहिए एफ टू, तो क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू की जगह पे टू रख देंगे। तो जब पुट करेंगे तो यहाँ पे भी वैल्यू टू हो जाएगी, तो टू का स्क्वायर प्लस टू, मीन्स कि ये आपका होगा फोर प्लस टू, यानी कि सिक्स। ये वैल्यू आएगी एज इट इज़। हम दूसरे फंक्शन यानी कि फंक्शन पर, इस फंक्शन पर अलग अलग वैल्यूज है ना, वेरिएबल पर अलग अलग वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये जो वैल्यू हमने निकाला और ये जो निकल के आया, इसको क्या बोलेंगे, वैल्यू ऑफ फंक्शन। मीन्स कि ऐसे फंक्शन पर है ना, पर्टिकुलर अलग अलग वैल्यू पर हम क्या निकाल सकते हैं, इसको फंक्शन की वैल्यू आसानी से निकाली जा सकती है। अब अगर हमको ये बोल दें, जैसे कि लिमिट की बात करें, तो व्हाट इज लिमिट, लिमिट का यूज़ कहाँ पर होता है, ये पूछे। तो लिमिट का यूज़ बेसिकली कहाँ पर पड़ता है, ऐसे फंक्शन है ना जिस पर कि, जैसे कि फंक्शन है ना, ऐसे फंक्शन जिस पर कि दिख रहा हो कि अगर हम उस पर क्या, फंक्शन पर कोई वैल्यू रख दें तो हमको क्या मिले, तो वैल्यू ना मिले, मतलब कि वो डिफाइंड ना हो। यानी कि जैसे कि ये मैंने फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ले लिया है एक्स का स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन। अब मैं यहाँ पे अगर फंक्शन की वैल्यू बोलूँ कि मेरे को क्या चाहिए, वन पर वैल्यू चाहिए, तो देखो अगर मैं वन पर लूँगी तो वन का स्क्वायर माइनस वन यानी कि वन, यानी कि ये तो ज़ीरो हो गया और ये भी ज़ीरो, तो ये वैल्यू डिफाइंड होगी क्या, यहीं पर देखो कि जो वैल्यू है ना वो डिफाइंड नहीं होगी। दैट टाइम जो लिमिट का यूज़ है ना वो मैटर करता है कि ये वैल्यू क्या है, डिफाइंड नहीं हो सकती है ना। तो फिर यहाँ पर क्या बोलेंगे कि जो फंक्शन है उस पर x इज इक्वल्स टू वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमको कोई वैल्यू ही नहीं दे रहे हैं हम लोग, ये बोल सकते हैं ना, डिफाइंड मीन्स कि वन पर कोई वैल्यू नहीं दे रहे। दैट टाइम हम क्या करेंगे, लिमिट का यूज़ करेंगे। लिमिट का यूज़ कैसे करेंगे कि हम इस फंक्शन पर, यहाँ पर ये जो एक हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे वन रखे थे, एक्स की वैल्यू वन रखा, जब हमने वन रखा तो हमको क्या मिला, डायरेक्ट ज़ीरो मिल जाएगा और ज़ीरो मिला है कि डिफाइंड नहीं हो रहा है। तो हमको क्या करेंगे हम यहाँ पे कि डायरेक्ट वन ना रख कर उससे छोटी या उससे बड़ी वैल्यू क्या करते हैं, पुट करते हैं। जैसे कि ये देखो, मैंने फंक्शन रख दिया और यहाँ पे वेरिएबल रखे, तो हम लोग वेरिएबल पर वन ना रख कर कुछ उससे वन से छोटी और कुछ उससे बड़ी वैल्यू रखते हैं। तो अपन ना वन से पहले छोटी रखते हैं, जैसे कि मैं लेती हूँ वन से छोटी, यानी कि 0.99 ले लिया मैंने ले लिया 0.9 ले लिया, मैंने ले लिया 0.8 है ना, 0.7 ऐसे कुछ आप पहले ले सकते हैं। तो इस तरफ ये हो गया वन से इस छोटी वैल्यू, अब हम लोग वन से बड़ी लेंगे है ना, जैसे कि मैंने ले लिया 1.01, मैंने ले ली 1.10, फिर मैंने ले लिया क्या 1.2, ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, वैल्यू ले सकते हैं। क्लियर, ठीक है। अब देखो, जब मैंने x की वैल्यू ये रखा, जैसे कि मैं इसकी बात करूँ है ना, तो जब मैं x की वैल्यू ये रखूँगी कहाँ पर, इस फंक्शन पर, तो हमको मेरे को क्या मिलेगा बताओ, यहाँ पर कुछ इस टाइप का वैल्यू मिलेगा, एग्जैक्ट नहीं है, निकाल के देखना पड़ेगा इसको, मतलब 1 के यानी कि 2 के बहुत करीब रहेगा और ये 1.998 समथिंग इस टाइप का कुछ वैल्यू मिलेगा। यानी कि यहाँ पे हम लोग ये बोल सकते हैं कि अगर हम लोग x की वैल्यू 1 से थोड़ी सी छोटी रख रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है, ये टेंड कर रहा है ना 2 की तरफ, यानी कि 2 के लगभग वैल्यू मिल रही है, 998 है ना, ऐसा कुछ। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, तो यहाँ से हम फंक्शन f ऑफ x की जो लिमिट है ना उसको कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये लगभग उसके पास है, वो नहीं है बट लगभग उसके पास है, टेंड कर रही ना लगातार, तो अपन इसको ऐसे लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू वन, ओके, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू टू, ये बोल सकते हैं।
तो हम इसे ऐसे लिखेंगे कि जब कोई फंक्शन है ना, जब कोई फंक्शन किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर या फिर वेरिएबल पर क्या करें, वैल्यू ना दे है ना, या फिर हमको डायरेक्ट वैल्यू ना मिले, तो हम क्या करेंगे, लिमिट रखेंगे। और लिमिट कैसे रखते हैं, लिमिट का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि जिस पर वैल्यू ना मिल रही हो, यानी कि हमको यहाँ से वन की वैल्यू नहीं मिली थी, तो हम वन ना रख के उससे आसपास की छोटी वैल्यू को लेकर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे एंड लिमिट लगाकर लिखेंगे, तब हमको ये क्लियर होगा। अब देखो ये हमने डायरेक्ट टू लिख तो दिया यहाँ से, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, देखो इस तरफ है ना, ये इस तरफ की वैल्यू है वन से नीचे है ना, वन से छोटी, और ये है वन से बड़ी वैल्यू है ना, हमने लेफ्ट साइड दिया, हमने राइट साइड दिया, तो ये बोर्डिंग में क्या दोनों ओर से जब जाते हैं तो उस एक्स की जो वैल्यू है ना, वैल्यू के पास, तो क्या किसी खास वैल्यू की ओर या किसी खास मान की ओर जा रहा होता है? अगर हाँ वो किसी खास मान की ओर जा रहा होता है तो क्या बोलेंगे, इसका मतलब है कि जो फंक्शन उस वेरिएबल पर जो लिमिट है ना वो क्या आएगी, वन आएगी। और इसको पढ़ते कैसे हैं, लिमिट एक्स टेंस, जो तीर का निशान इसको बोलते हैं, टेंस कर रहे हैं वन की ओर है ना, तो लिमिट एक्स टेंस टू वन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू टू, ये हम लोग इसको पढ़ेंगे। ये हमारा क्या होगा, बेसिकली कॉन्सेप्ट होगा। अब यहाँ पर देखो मैंने क्या किया कि दो क्वेश्चन यहाँ पर देखो, कि मान लीजिए हमारे पास कुछ ऐसा फंक्शन है जिस पर यदि मैं कोई वैल्यू रख दूँ, एक्स की फंक्शन पर एक्स की वैल्यू रखूँ, तो मुझे डायरेक्ट क्या मिल जाए, वैल्यू मिल जाए है ना, जैसे कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वन, यहाँ पर हमको क्या रखना है, वन टेंस करना है, तो वन का स्क्वायर प्लस वन मीन्स की टू, ये आएगा है ना, तो इसको डायरेक्ट हम ऐसा रख सकते हैं। लेकिन अगर हम क्या मिलेगा, नॉट डिफाइंड वैल्यू मिलती है, तब हम क्या करेंगे, लिमिट का प्रोसेस कर देंगे कि जिसमें कि उस जहाँ पे जीरो जीरो है ना, जहाँ पर हमको डिफाइन नहीं हो रहा है उससे छोटी और उससे बड़ी वैल्यू लेते हैं। लेकिन हमको यहाँ पे दिख रहा है कि अगर हम उसको डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे तो हमको कुछ डेफिनेटली वैल्यू मिलेगा, तो उसको वैसे ही रखना है, कोई चेंजेस नहीं आएगा है ना, कुछ नहीं करना है। ये हमारा क्या होता है, स्पेशल केस होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो, लिमिट एक्स टेंस कर रहा है टू पर, और ये एक फंक्शन है, तो हमको यहाँ पे लिमिट में क्या रखना है, एक्स की वैल्यू टू रखनी है, तो हमने टू टू रख दिया, हमें जब रखो तो सिक्स बाई फोर यानी कि थ्री बाई टू आया, यानी कि यहाँ पे हमको क्या मिलेगी, एक ये क्या है, एक फंक्शन है, और इस फंक्शन पर किसकी वैल्यू चाहिए, एक्स पर टू रखेंगे है ना, मतलब एक्स की वैल्यू की जगह पे टू रखा, तो जब टू रखा तो हमको क्या मिला, थ्री बाई टू, तो इसको क्या बोलेंगे, एफ टू इक्वल्स टू थ्री बाई टू, ये मिल जाएगा है ना, इस फंक्शन की ये क्या हो जाएगी, इस फंक्शन पर टू पर वैल्यू क्या है, थ्री बाई टू, हम ये बोल सकते हैं। अब एक नई चीज़ आती है इसमें कि हम किसी पर्टिकुलर वेरिएबल पर अगर फंक्शन की लिमिट निकालना चाहते हैं है ना, और उस पर हमें फंक्शन की वैल्यू नहीं दे रही है, तो कैसे करेंगे, तो हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, आपने सुना होगा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड मीन्स वाम हस्त सीमा और राइट हैंड साइड यानी कि दक्षिण हस्त सीमा। अब ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होते हैं, तो किसी पर्टिकुलर फंक्शन सॉरी पर्टिकुलर वैल्यू पर है ना, तो मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं कि x इक्वल टू कोई भी वैल्यू लेते हैं, हमने वन लिया था इसके पहले, टू लेके देखा हमने x इक्वल्स टू a लेकर है ना, a पर लिमिट निकाल रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट को हम इस तरह कैसे लिखेंगे, मतलब लिमिट लिखेंगे ठीक है, फिर क्या करेंगे, एक्स टेंस कर रहे हैं, इस पर टेंस कर रहे हैं, ये कौन सी लिमिट लिख रहे हैं, लेफ्ट हैंड, तो यहाँ पे क्या जाएगा, ऊपर में, इसके ऊपर में देखो x टेंस कर रहा है a, और इसके ऊपर में क्या है, माइनस साइन और f ऑफ x, यदि ऐसा लिख दें तो ये क्या हो जाएगा, इसका सिंबल बन जाएगा, ये लेफ्ट हैंड लिमिट का सिंबल है। वैसे ही अगर मैं लिखूँ लिमिट ठीक है, x टेंस कर रहा है किस पर, a पर, बट हम इसको राइट हैंड लिमिट लगा रहे हैं, तो अपन क्या करेंगे, प्लस ठीक है, फिर यहाँ पे क्या जाएगा, एफ ऑफ एक्स, तो ये किसका सिंबल हो जाएगा, राइट हैंड का। अब इसके पहले मैंने ये बताया था कि बॉक्स वाला बताया था ना, कि ये बॉक्स है और है ना, ये कुछ ऐसा था, यहाँ पे मैंने लिखा था फंक्शन और यहाँ पे एक्स, तो जैसे कि यहाँ पे एक वन की वैल्यू है, तो मैंने ना क्या किया था कि इस पॉइंट से है ना, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव साइड ले लिया था, सॉरी मतलब इसमें कम की वैल्यू इसकी ज़्यादा की वैल्यू, तो वन से कम यानी कि मैंने इधर 0.9 ले लिया था, फिर 0.9 ले लिया था, और इसके एक के बाद मीन्स कि यहाँ पे क्या लिया था, 1.01 1.10 समथिंग ऐसा कुछ लिया था। तो यहाँ पर देखो
लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, तो लेफ्ट हैंड इस तरफ है ना, तो इससे छोटी, वन से छोटी लेफ्ट हैंड तरफ आया, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस। कंफ्यूज मत होना, माइनस किस में लगता है, तो लेफ्ट हैंड में। क्यों लगता है, अगर मैं यहाँ पे बीच में कोई वैल्यू ले लूँ वन, तो वन से बड़ी है वन से छोटी, तो वन से बड़ी वैल्यू किस तरफ है, राइट हैंड साइड तरफ, तो राइट हैंड साइड तरफ बड़ी वैल्यू आ गई, मीन्स की प्लस, राइट हैंड साइड तरफ ये आ गया। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड इस तरफ कौन सी वैल्यू आ रही है, छोटी वैल्यू, यानी कि माइनस की तरफ जा रहा है ना, वन से छोटा जा रहा है, तो वन से छोटा मीन्स की माइनस है ना, तो वहाँ से देखना कि राइट हैंड साइड सॉरी राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या क्या लगता है। देखो ये लेफ्ट में माइनस लगेगा और राइट में क्या लगता है, प्लस लगता है, यहाँ पर कन्फ्यूज मत होना।